नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनाली और आज मैं आपके सामने व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को लेकर रूबरू हुई हूँ। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं व्यापार जगत पर। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। तो आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक निफ्टी 50 66 अंकों की बढ़त के साथ 23,465 पर आकर बंद हुआ। वहीं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 181 अंकों की बढ़त के साथ 76,892 पर आकर बंद हुआ। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1,340 कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़े और 967 कंपनियों के शेयरों के दामों में गिरावट देखने को मिली। तो वहीं बात करें टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर्स में आज महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस रहे। वहीं टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, SBI शामिल रहे। वहीं बात करें निफ्टी बैंक की, तो आज निफ्टी बैंक 155 अंकों की बढ़त के साथ 50,002 पर आकर बंद हुआ। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 6 कंपनियों के दाम बढ़े और 6 कंपनियों के शेयरों के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसमें टॉप गेनर PNB बैंक, बैंक बड़ौदा, फेडरल बैंक, HDFC बैंक रहे। वहीं टॉप लूजर्स में बंधन बैंक, कोटक बैंक, AU बैंक शामिल रहे। साथ ही बात करें निफ्टी IT की, तो आज निफ्टी IT 303 अंकों की गिरावट के साथ 34,598 पर आकर बंद हुआ। इसमें 10 कंपनियों के शेयरों के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसमें टॉप लूजर्स LTIM, LTTS, TCS शामिल रहे। साथ ही बात करें निफ्टी FMCG की, तो आज निफ्टी FMCG 108 अंकों की बढ़त के साथ 57,225 पर आकर बंद हुआ। इसमें टॉप गेनर BPL, मारिको, ITC, ब्रिटानिया शामिल रहे। वहीं टॉप लूजर्स में डाबर, UBL कंपनियां शामिल रही। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NMC न्यूज। धन्यवाद।